नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 3 जनवरी। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब बहुत सारी भर्तियां निकल रही है और बहुत सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको पढ़ते रहना है और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि रोजाना आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार SJVN को आवंटित की गई कौन सी 3 जल विद्युत परियोजनाएं यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को दोबारा से टेक ओवर करने की तैयारी कर रही है। तो इसका सही जवाब है सुन्नी परियोजना, लोहरी परियोजना और धौलासित परियोजना को। दोस्तों पिछली सरकार में जो 3 जल विद्युत परियोजनाएं SJVN को आवंटित की गई थी, लेकिन करंट गवर्नमेंट इसे दोबारा से टेक ओवर करने की तैयारी कर रही है क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट सभी पावर प्रोजेक्ट्स में अपनी रॉयल्टी 12, 18 और 30 फीसदी से बढ़ाकर 20, 30 और 40 फीसदी कर रही है, जबकि SJVN को दिए गए प्रोजेक्ट से मात्र 5% रॉयल्टी ही आती है। बताया जा रहा है कि SJVN ने पूर्व सरकार के समय यह प्रोजेक्ट ले तो लिए लेकिन आज तक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन नहीं किया, इसलिए अब कंपनी को नई सरकार की नई शर्तों के अनुसार एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। इसलिए मौजूदा सरकार का मानना है कि अगर SJVN इन नई शर्तों को नहीं मानेगी तो मौजूदा सरकार SJVN को आवंटित किए गए इन 3 प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर कर लेगी। दोस्तों अगर बात की जाए सुन्नी जल विद्युत परियोजना की तो यह शिमला और मंडी जिला के पास स्थित खैरा गांव में बन रही है। सतलुज नदी पर बन रही इस परियोजना की कैपेसिटी 382 मेगावाट बताई जा रही है। इसके बाद अगर बात की जाए लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना की तो इसका निर्माण शिमला और कुल्लू जिला में किया जा रहा है और इसकी कैपेसिटी 210 मेगावाट बताई जा रही है और इस परियोजना का निर्माण सतलुज नदी के ऊपर ही किया जा रहा है। इसके बाद तीसरी जल विद्युत परियोजना है हमारी धौलासित जल परियोजना। दोस्तों इस परियोजना के निर्माण ब्यास नदी के ऊपर हमीरपुर और कांगड़ा जिले में किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की पावर जनरेशन कैपेसिटी 66 मेगावाट बताई जा रही है। इसी के साथ चलते हैं आज के बेहद इम्पोर्टेंट और आसान क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की श्रेणी में अधिसूचित कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब है जिला सिरमौर के हाटी समुदाय को। दोस्तों यह क्वेश्चन आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ। हाल ही में नव वर्ष के पहले दिन ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाटी समुदाय को एक तोहफा दिया और अधिसूचना जारी कर हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मंजूरी दी। इस मंजूरी के मिलते ही हाटी समुदाय ST कैटेगरी में शामिल होने वाला 11वां समुदाय बन गया। इससे पहले अनुसूचित जनजाति के 10 समुदाय थे। दोस्तों अगर बात की जाए हाटी समुदाय की तो ये सिरमौर जिला के गिरीपार एरिया में रहने वाला एक छोटा सा समुदाय है। बताया जा रहा है कि वर्ष 1815 में सिरमौर रियासत से अलग होने वाला जोनसार बाबर क्षेत्र जो आज की डेट में उत्तराखंड का हिस्सा है, वहां के लोगों को वर्ष 1967 में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया था क्योंकि जोनसार बाबर और सिरमौर का गिरीपार इलाका एक दूसरे से सटे हुए है, इसलिए वहां की लोक संस्कृति, लोक परंपरा, रहन सहन एक जैसा है। इनके गांवों के नाम, भाषा भी एक समान है। बस फर्क इतना था कि जोनसार बाबर क्षेत्र उत्तराखंड में पड़ता था और गिरीपार इलाका हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में पड़ता है, इसलिए वर्ष 1967 से ही हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा दिए जाने की मांग उठती रही है, जिसे पिछले वर्ष ही केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है और हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किस जगह 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया। तो इसका सही जवाब है जिला कुल्लू के मनाली में। दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कुल्लू जिला के मनाली में 5 दिन चलने वाला राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर पहले माता हडिम्बा की पूजा अर्चना की, उसके बाद कार्निवल परेड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सांस्कृतिक दलों ने कई सारी झांकियां निकाली और बहुत सारे आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला के रिज मैदान पर भी इसी प्रकार के एक विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया,
यह विंटर कार्निवल 12 दिन तक चलेगा। इस प्रकार के विंटर कार्निवल और इसी तरह के अन्य प्रोग्राम्स के ऑर्गेनाइज करने से हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को बूस्ट मिलता है, जहां पर आए हुए टूरिस्ट जहां की कला और संस्कृति का लुत्फ उठाते हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा होते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।